चाहे आप अपने आप को बिजनेस में आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आगे ले जाना चाहते हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ में, चाहे अपने रिलेशनशिप में आप और गहराई में जाना चाहते हैं, एक बहुत ही स्पेशल प्रैक्टिस है अगर आप उसको समझ सकें तो, और वो है कंप्लेन में से कम्प्लीटली बाहर निकल के आना। जब तक हमारा माइंड कंप्लेन करता रहेगा तब तक हमको वो नेक्स्ट चीज़, वो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ हमारे लाइफ में कौन सी हो सकती है वो दिखेगी नहीं। मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको अगर जब तक आपका माइंड कंप्लेन करने की एटीट्यूड को पूरी तरह से ख़त्म ना कर दे। आइए देखते हैं क्यों। हम सब मासूम बच्चों की तरह हैं, एक आम इंसान की तरह है, एकदम सिंपल पर्सन की तरह है। सिंपल पर्सन कौन होता है? जो अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, उसमें से अपनी लाइफ को आगे ले जाने की कोशिश करता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जैसे छोटा बच्चा है, शरीश है, वो खेल रहे हैं, अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, और एक दिन उनको बहुत बड़ा झटका लग जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले ऐसा अभी हुआ भी। शरीश गए थे अपने एनुअल फंक्शन पर, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस की थी दौड़ने भागने की, उनका कुछ रेस वेस की तैयारी की थी उन्होंने, एथलेटिक्स की। और उसके बाद जिस दिन प्रॉपर एनुअल फंक्शन हुआ था, उस दिन उनके क्लास के सारे बच्चों को सभी किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। तो शाम को जब वो घर पर आए तो मैंने पूछा, क्या क्या हुआ आज, तुम्हारा एनुअल फंक्शन था, कैसा गया? तो बोलते हैं, आज के बाद मैं कभी भी एनुअल फंक्शन में नहीं जाऊँगा। और ये बोलते बोलते उनकी आंखों से खूब आंसू तर तर बहने लगे। मैंने कहा, हुआ क्या? तो बोलते हैं, भाई कि मुझे किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया नहीं गया। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक के लिए उम्मीद करता रहा, इसी भरोसे में वो सुबह सुबह तैयार होकर के 5-6 बजे उठ करके तैयार होकर नहा धोकर के साथ में तक रेडी हो चुके थे, खाना भी नहीं खाया था, और वहाँ जाकर शाम तक बैठे रहे, वेट करते रहे। मैंने उनको बताया कि ये सच्चाई थी, तुम्हें जो देखने को मिली वो सच्चाई थी। वो इतने हर्ट क्यों हो गए? बिकॉज वो सिंपल कॉमन बच्चे हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी आशाएं हैं। और पता है, जब हम हर्ट होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने के लिए? मैं चाहता हूँ आप उसको देख सके। जिस समय आप हर्ट होते हैं उसी समय ही देख पाएंगे, मेरे लेक्चर से आप नहीं देख पाएंगे। अगर पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले अगर आप किसी से भी हर्ट हुए हों, किसी इंसान से या किसी बड़ी घटना से या इवन छोटी मोटी घटना से भी अगर आप हर्ट होते हैं, उस शोर को, उस म्यूज़िक को अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप मिस कर जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली एक हमारे स्टूडेंट हैं, वो बहुत हर्ट हो गई जब हमने बातचीत की उनके साथ किसी बात से। उनको इतना ज़्यादा हर्ट हुआ कि वो वीडियोज़ नहीं देख पाई अगले दिन। उन्होंने ढेर सारा, एक बड़ा सा मेल लिखा कि किस तरह से जब उन्होंने मुझसे बात की तो कुछ पॉइंट से वो हर्ट हो गई। और जब उन्होंने वो मेल लिखा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस मेल में एक बार और दो बार एक वर्ड को यूज़ किया कि मैं हर्ट हो गई, बहुत बहुत हर्ट हो गई। हम एडजेक्टिव्स कब यूज़ करते हैं? जब हमको लगता है कि हम किसी को अपनी बात पहुँचा नहीं पा रहे हैं और हम पहुँचाना चाहते हैं। और क्या चीज़ है, बात पहुँचाना चाहते हैं या हम अपनी फीलिंग्स पहुँचाना चाहते हैं? ये जो काम है, अपनी फीलिंग्स सामने लोग पहुँचाने का काम, ये पोएट्स करते हैं। जो लोग पोएट होते हैं या फिल्म मेकर्स होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं, उनका काम है कि अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचा करके आपको हंसा दें, रुला दें और आपको अपने साथ एंगेज करें। हर्ट भी यही करता है। जब हर्ट हो जाता है तो खोजता है सुकून, वो खोजता है एक कंधा जिसके ऊपर अपना सर रख के रो सके। और आमतौर पर अगर आप जाकर किसी को बोलें कि मैं बहुत दुखी हूँ या उस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया और मैं हर्ट हो गया, तो सामने वाला हो सकता है उसको रिसीव न करे। तो हम लोग क्या करते हैं, खूब बड़े बड़े सेंटेंसेस अपने दिमाग में बोलते हैं। हम नहीं बोलते, मतलब जब जैसे पैरों में चोट लगती है तो दर्द जो है वो पैरों का चीख है, वो पैरों का हर्ट है। ऐसे ही जब मन हर्ट होता है तो जितनी देर तक आपके मन में सेंटेंसेस चल रहे हैं कि मैंने क्या बोला था, उसने क्या बोला, मैंने कौन सी जगह में गलत हूँ, उसने मुझे क्यों नहीं समझा, उसको ये समझना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था, आप देखिए ध्यान से, ये एक शोर है। ऐसे नहीं कहीं पर अगर आप बैठे हैं घर में और बाहर कहीं कोई कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आए, कहीं बिल्ली की चिल्लाने की आवाज़ आए, तो अगर कोई ज़ोर से पेन में हो, तकलीफ़ में हो, तो उस आवाज़ को आप पहचान जाएंगे। कुत्ते भी तो छोड़िए, एक इंसान है अगर वो कराह रहा है किसी दर्द में तो उसको भी पहचान जाएंगे। लेकिन जब हमारा अपना माइंड किसी चीज़ से बहुत स्ट्रांगली हर्ट हो जाता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि ये सारी बातें सच है। एक सिंपल सी बात कि मैं कॉमन मैन हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ,
अपने गुरु जी की इतनी गहरी बातें समझने के लिए। और यहीं पर एक बहुत ख़ास चीज़ हुई। आपने देखा, आपने क्या किया अपने अपने साथ। लाइफ जो है वो हमको ग्रो करती है, या तो हम उसको समझते हैं, कॉन्शियसली ग्रो होते हैं, या अगर नहीं समझते हैं तो लाइफ आपको अनकॉन्शियसली भी थपेड़े मार मार के ठोकर देगी। ये लाइफ का नेचर है, आप चाहे नहीं चाहे तब भी। ऐसे घर में छोटे बच्चे हैं, माँ बाप अगर हैं उस बच्चों के साथ और बच्चा बीमार है तो माँ बाप उसको ठीक करने के लिए सारे इंतज़ाम करेंगे, उसको दवाई देंगे, सिरप देंगे, ज़रूरत पड़ी तो इंजेक्शन लगाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। बच्चे के हाथ में है नहीं। और ये जो लाइफ है, जो गॉड है, वो हम तो उसके बच्चे ही हैं और उसको ट्रेन करना उसका काम है। लेकिन जब भी हम दुखी होते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, एक एक शेल बनाता है और उस शेल में अपने आप को डाल देता है। और अकेले उस शेल में नहीं रहता, वो ढेर सारे लोगों को डाल देता है। वो बोलता है कि मैं एक कॉमन मैन हूँ। कॉमन मैन जब हम बोलते हैं तो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हैं? अपने भाई से, अपने चाचा से, अपने मौसेरे भाई से, अपने क्लास के फ्रेंड से। लेकिन ऐसा है नहीं, हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। कुछ कुछ चीज़ों में बहुत इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है कोई कुकिंग में इंटेलिजेंट हो, कोई म्यूज़िक में इंटेलिजेंट हो, कोई फाइनेंस में बहुत इंटेलिजेंट हो। हर आदमी की जो इंटेलिजेंस आईक्यू है, इनफैक्ट जो आदमी अपने इमोशंस को इतनी गहराई से लंबे से मेल में लिख करके भेज रहा है, वो इंटेलिजेंस ही तो है। हालांकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ पहचानिए कि किस तरह से जब हम अपने आप को परिभाषित करते हैं एक कॉमन मैन की तरह, तब हम लाइफ की सारी गहराइयों से अपने आप को मुँह मोड़ देते हैं, सारे खजानों से हम मुँह मोड़ देते हैं। मैं आपको एक ख़ास प्रैक्टिस बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैं आपको ख़ास प्रैक्टिस बताना चाहता हूँ जो हम आपको दे नहीं सकते, कोई नहीं दे सकता। वो है अलादीन की चिराग की तरह आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि आपका माइंड इस समय कंप्लेनिंग एटीट्यूड में है, कोई भी नहीं आपको हेल्प कर पाए। कृष्णमूर्ति के भाई की डेथ हुई और कृष्णमूर्ति ने बचपन से केवल उसी बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार किया था। यहाँ तक कि जब थियोसॉफिकल सोसाइटी कृष्णमूर्ति को उठा करके ला रही थी और उनको डेवलप कर रही थी मैत्रेय बनाने के लिए, गौतम बुद्ध का अवतार बनाने के लिए, उस कंडीशन में कृष्णमूर्ति ने केवल एक और एक ही शर्त रखी कि मैं तभी आऊँगा जब मेरे छोटे भाई मेरे साथ होंगे। और उनके साथ गए और उसके बाद पता है क्या हुआ, दोनों ने साथ में पढ़ाई की, दोनों साथ में बड़े हुए। जहाँ कहीं पर भी बचपन में कृष्णमूर्ति जाते थे, उनके भाई उनके साथ रहते थे। और फिर एक टाइम के बाद वो हो गए बीमार और उसके बाद क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। कृष्णमूर्ति इतने हर्ट हुए, इतने ज़्यादा हर्ट हुए कि वो एक दिन तक किसी से बोले ही नहीं। शिप पर थे उस समय, उन्होंने बड़ी उम्मीदें की थी कि गॉड या लाइफ या जो भी ईश्वर है, मास्टर्स कहते हैं कृष्णमूर्ति से बात करते थे, तो उन्होंने उम्मीद की थी कि मास्टर्स उनको बचाएंगे। जितने भी उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी के बड़े बड़े लोग थे, एनी बेसेंट हैं चाहे लेड बीटर हैं, सबने यही कहा था चिंता मत करो, तुम्हें मास्टर्स की हेल्प से तुम्हारा भाई बच जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद कृष्णमूर्ति बहुत स्ट्रांगली हर्ट हुए। उसके बाद उन्होंने एक पोएम लिखी थी, वो काबिल पढ़िए, उसको पोएम बहुत ख़ास है। उसमें कृष्णमूर्ति ने देखा कि एक इल्यूजन ख़त्म हुआ, एक झूठ ख़त्म हुआ और एक नया झूठ चालू हुआ। एक चीज़ जिसको मैं सच मानता था वो असल में झूठ था, वो ख़त्म हो गया और एक नया सच मेरे सामने खुला। कृष्णमूर्ति तो सीखने वाले इंसान थे, वो अपने आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं नहीं सीखूँगा। उन्होंने तो अपने आप को डेडिकेट ही किया था ट्रूथ को जानने के लिए। लाइफ आपको तभी पढ़ा सकती है जब आपकी आँखें आंसू से खाली हो जाएं। ये टीचिंग थी कृष्णमूर्ति की। हमारे कान तभी सच्चाई को सुन सकते हैं जब उसको कोई भी बात किसी की भी हर्ट नहीं करती है। हमारे मुंह अपने मास्टर के सामने तभी बोल सकते हैं जब उसके मुँह से कोई ऐसे शब्द नहीं निकले जो मास्टर को हर्ट कर सके। मास्टर को इंसान नहीं है, ये लाइफ है मास्टर। और हमारी सोल, हमारा जो सेल्फ है, जो हमारा बीइंग है, वो गॉड के सामने तभी खड़ा हो सकता है जब उसको कितनी भी टॉर्चर मिल जाए लेकिन उसको दुख नहीं होता है। ये है क्या पता है, ये कह रहा है कि आप ओपन होइए रिसीव करने के लिए। हम भीख मांगते रहते हैं, हम अपने लिए एक्सपीरियंसेस मांग रहे हैं। जब हम अपने भाई के बारे में बात करते हैं, अपने पिता के बारे में बात करते हैं, अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हैं आप कॉमन मैन, लेकिन जो कॉमन मैन है वो कॉमन ही रहेगा, वो उसके आगे बढ़ेगा नहीं। जब तक हम अपने हर्ट्स को पहचान करके उसमें से ऊपर नहीं निकलना चाहते, तब तक हम
कॉमन मैन रहेंगे, और कॉमन मैन लाइफ के लिए केवल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है, लैब रैट होता है, और लैब रैट को कोई भी दया नहीं दिखाता। मैं तो छोड़िए, कोई भी दया नहीं दिखाता। हम लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दया या लर्निंग? आप खुद चूज़ करिए। लर्निंग चूज़ करेंगी तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, दया चूज़ करेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, बिकॉज लाइफ को सिखाना है, पढ़ाना है आपको। हमारे सवालों की इंटेलिजेंस या स्टूपिडिटी नहीं होती है, हमारे सवाल फालतू या बहुत कीमती सवाल नहीं होते, हमारे सवाल होते हैं रास्ते, रोड, वो हमको कहीं लेके जाते हैं। एक दिन मैं एक जब गाड़ी ले जा रहा था, लखीमपुर से बाहर निकला, तो एक रोड पे मैं बहुत ज़ोर से अपनी गाड़ी लेके जा रहा था। नई रोड थी, बहुत ही साफ़ सुथरी प्लेन रोड थी एकदम, तो जो नई रोड थी उसके ऊपर हमने पुरानी रोड छोड़ दी, बिकॉज बहुत गड्ढे थे। और जब हम बहुत तब तक सामने जाकर के मुझे बहुत ज़ोर से ब्रेक मारना पड़ा, क्योंकि वो रोड जो थी बहुत ही पता नहीं किसने बनाया था। आमतौर पे लोगों को इस तरह की रोड्स पे कुछ साइन डाल देना चाहिए कि रोड आगे ख़त्म है, बंद है। वो फ्लाईओवर था एक, और फ्लाईओवर आगे बन रहा था, आधा अधूरा था। अगर उसी स्पीड से चलता तो मेरी गाड़ी नीचे गिर चुकी होती। ऐसे ही हमारे जो माइंड में जो सवाल उठते हैं हमको आगे ले जाते हैं। कितनी स्पीड से हम किसी क्वेश्चन का, कितनी इंटेंसिटी से हम किसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, उतनी इंटेंसिटी से हम आगे जाएंगे। लेकिन अगर वो सवाल हमको फ्री करने वाला नहीं होगा तो हमारा एक्सीडेंट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका माइंड स्टूपिड है। स्टूपिड मतलब होता है हम खुद हर्ट हुए हैं और सामने वाले को हर्ट करना चाहते हैं। आप हो सकता है कॉन्शियसली नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से हर्ट हुआ है तो क्या कर सकते हैं। यही तो एनिमलिस्टिक माइंड है, इसी को तो हम तमस कहते हैं। सवाल ये है कि कौन सा वो राइट रास्ता है जिसके ज़रिए मैं अपने आप को जान सकती हूँ, और मेरे जो भी मेरे अपने हैं उन सबको जान सकती हूँ। सबसे पहले हमको जानना है ख़ुद को। जब मेरे माइंड का हल्का सा भी मूवमेंट होता है, जब भी वो ज़रा सा भी हर्ट होता है, ज़रा सा भी, रियलिटी से हम दूर हो जाते हैं, अपनी वाइफ से दूर हो जाएंगे, अपने बच्चे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप हर्ट हैं। हर्ट वो दीवार बना देती है बुद्धि में, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप एक जैसे नहीं ताबूत के अंदर बंद हो जाते हैं, वही हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता है। मैं चाहता हूँ इसमें से निकल करके आइए। आपकी बीइंग इतनी बड़ी हो सकती है, इतनी विशाल हो सकती है। और जब आप कहते हैं ना मैं कॉमन मैन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप इसी ताबूत को, इसी पिंजरे को और मजबूत करते हैं। ये अपने आप को बोलना बंद करिए। छोटे छोटे तरीकों से शुरुआत करिए, जैसे छोटे बच्चे ABCD सीखते हैं। अगर आपको लगता है छोटा बच्चा पढ़ करके बड़ा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में अपने आप को छुपाइए मत। ये एस्केप है, ये आपको छुपने के लिए एक गुफा बना के देते हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहता, मुझे मत डिस्टर्ब करो। अगर रियलिटी को जानना है तो हिम्मत करनी होगी, और हर्ट के लिए रेडी होना पड़ेगा। मेरे हर्ट तो बहुत छोटे मोटे हैं, आपको तो लाइफ के हर्ट के लिए तैयार होना पड़ेगा। नहीं, जेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स इस समय स्पिरिचुअलिटी के सबसे पावरफुल, सबसे इंटेंस ऑनलाइन कोर्सेज हैं। एक बार आप इसको देख लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, आपको किसी भी तरह की किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपने मास्टर हो जाएंगे आप। जैसे 1 2 3 4 प्लस माइनस सीखे बिना एक बच्चा मैथमेटिशियन नहीं बन सकता, ठीक ऐसे ही WBX बिना किए आप बिजनेस के बारे में सोचिएगा भी मत। आँख बंद करके बिजनेस होगा वो। BDM पता है क्या है? पिछले 100 सालों में जितने भी बड़े बड़े गलत डिसीजंस लिए हैं लोगों ने, चाहे अकेले लिए हों, चाहे बड़ी बड़ी संस्थाओं के फॉर्म में लिए हैं, उन सब में से एक नॉलेज निकाली गई है, एक इंसाइट निकाली गई, एक मतलब मल्टीपल निकाले गए हैं, और वही है BDM। आज से 20 साल 30 साल 50 साल बाद देखेगा यही चीज़ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद इन चीज़ों को सीखते हैं तो आपका परिवार और आपके बच्चे और आपके जान पहचान के लोग बाकियों से 20-30 साल आगे हो जाएंगे। इसलिए BDM के छोटा मोटा मत समझिएगा। अपनी भी पर्सनल इश्यूज आप चाहें तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं BDM ज्वाइन करके। आप दिल्ली आ रहे हैं ना लिमिटलेस में 11 जनवरी को। फैमिली रिलेशनशिप को इंटेंस करना, उसमें कैसे खूबसूरती लाएं, बिकॉज यही वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बना सकती है या कम्प्लीटली ख़त्म कर सकती है। लिमिटलेस 11 जनवरी दिल्ली, बहुत कम सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर करा लीजिए। थैंक यू सो मच।